100 रुपया में मिलता है, लेकिन हम आप लोगों को 50 रुपया में प्रोवाइड करते हैं। मदद करने के बाद भी ऐसा करने के लिए पड़ रहा है, हैरान लग रहा है। इधर देखिए दोस्तों, एकदम धरुआ तलवार में पैर रख दिया है, देखिए यहाँ अद्भुत चीज, भंडारी चीज। ओ भाई हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। और कल का ब्लॉग्स में आप लोग मुझे बहुत सारा कमेंट किए थे, भाई आप बहुत ही बड़ा गलती कर दिया, आपको लौटाना चाहिए था वो 100 रुपीज। मैं भी वही सोच रहा था, मैं बहुत बार बोला था मेरा दो दोस्त को, बट दोस्तों ने मुझे बोले कि उल्टा मुझे समझाए, बोले कि ये पैसा आपको रिटर्न में मिल रहा है, आपका भी ऐसे कहीं पर खोया होगा, नहीं तो कुछ आपका भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट खोया होगा, तो उसके बदले ये रिटर्न में मिल रहा है, घुमा फिरा के आपको मिल रहा है, ऐसे कुछ मुझे समझाए। तो चलो उन लोग अगर बोल रहे हैं तो चलो इसको खर्चा कर देते हैं, नहीं तो मैं सोच रहा था कि नहीं 100 रुपीज लेकर के कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। कल को ब्लॉग्स इसलिए नहीं आया दोस्तों, ब्लॉग्स स्टॉक था, बट मैं घूमने के लिए गया था, उधर नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम था, मैं ब्लॉग्स को अपलोड में डाल दिया था बट कंप्लीट नहीं हुआ, रात भर पूरा वैसे ही रहा, शायद 250 MB या कितना अपलोड हुआ था पूरा 12 घंटे में, तो मैं वो ब्लॉग्स को डिलीट कर दिया हूँ। और आज जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ यही ब्लॉग्स को मैं अपलोड करूँगा, ज़्यादा डिले अपडेट में नहीं दूंगा दोस्तों, इंस्टेंट अपडेट ही देना अच्छा है। और भोर सुबह सुबह महुआ हम लोग थोड़ा बेच दिए है, और महुआ दे करके हम लोग बदले में कुछ ये चीज़ लिए है दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा देखिए नमक, ये रामजी कंपनी का नमक है दोस्तों, पूरा 50 kg है, एक बोरा हम लोग ले लिए हैं, पूरा 1 साल हो जाएगा ये नमक ख़त्म होने में, पूरा 1 साल, 1 साल से भी ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। पैकेट कितना है वो मुझे पता नहीं है, बट 50 kg है, और 50 kg नमक लेकर के हम दोनों को देना पड़ा 13 kg महुआ, 13 kg महुआ दे करके 50 kg नमक मिला है। ऐसे ही हम लोग बदले में लेते हैं नमक, नहीं तो कुछ खाने के लिए, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग बेच देते हैं। और अभी का टाइम में महुआ के जी बहुत ही डाउन चल रहा है दोस्तों, साथ में हम लोग कुछ बेचे हैं दोस्तों, पापा बोल रहे थे कि हम इतना धूप में, काली धूप में हम लोग मेहनत कर रहे थे और बहुत एनर्जी ख़त्म हो गया है, तो हम लोग कुछ बेचेंगे और वो पैसे से हम कुछ अच्छा अच्छा आइटम खाएंगे, वो एनर्जी को हम लोग रिटर्न में लाएंगे, ऐसे बोले तो 330 प्राइस में 11 kg हम लोग बेचे हैं दोस्तों। तो आप लोग ही कैलकुलेट करिए कि पर केजी कितना चल रहा है, 32 या 33 रुपये चल रहा है दोस्तों। तो पैसे से पापा बोल रहे हैं कि अच्छा अच्छा हाई प्रोटीन फूड हम लोग खाएंगे, चिकन नहीं तो फिश नहीं तो ऐसे फ्रूट। मैं अभी मार्केट जाना वाला हूँ, पापा का पहला बोलना है कि वो बोल रहे हैं कि मछली आज लेकर आओ। तो फाइनली मैं वेस्ट बंगाल मार्केट पहुँच गया हूँ और सीधा मछली मार्केट आया हूँ दोस्तों, सिर्फ मछली मार्केटिंग करूँगा उसके बाद लौट जाऊँगा, कुछ भी नहीं, देर नहीं करूँगा दोस्तों क्योंकि धूप दे रहा है। देखते हैं कौन सा मछली लेंगे, बड़ा बुढ़ा के जी कहते हैं 200 छुटिया उड़ा 240 कत के जी है दादा, ओ दादा के जी कत 200 टका छोटो माछ गिलाओ 200। खाना में चोच कर लिया दोस्तों, और बड़ा वाला मछली लेकर जा रहा हूँ। तो फिर खा भाई सुन, मुंडो पूरा गोटा देलो ना किसो नो आ तो फाड़े ओ फाड़े हां फाड़े दियो आ जाने जे तो 10 टका खुजरे मु छाड़ दे आउ टिके दियो अति बराबर कर लो जे से चिया पिया छोड़ेले और हां मो दे दे मिसे पीस देना होवर की हां हां तो फाइनली मार्केटिंग करके वापस घर आ गया हूँ और पापा चला गया है बकरी चराने के लिए, मछली फछली सब कुछ रख करके मैं फिर से रेडी हो गया हूँ दोस्तों। मैं अभी जाने वाला हूँ पैसे लाने के लिए, मैं एक मेरा दोस्त को पैसे उधार में दिया था, तो वो पैसे आज मुझे लौटाने वाला है, बहुत पहले से मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरा पैसे नीड हो रहा है और लौटा दो, बट वो ऐसे ही डेली बोल रहा है, आज नहीं कल को, कल नहीं परसों को, परसों नहीं तीसरा दिन को, ऐसे बोल करके आज फाइनली वो मुझे बुलाया है, बैंक में आओ, आपके उधार में नहीं जा पाऊँगा, उधर नहीं जा पाऊँगा, इधर ही आकर के ले जाओ। तो इधर से अभी 15 किलोमीटर डिस्टेंस जाना पड़ेगा दोस्तों, तगड़ा धूप दिया है, धूप में जाने के लिए मान नहीं कर रहा है। एक्चुअल में वो आकर के मुझे देना चाहिए था क्योंकि मैं उसको दिया हूँ,
जब ले रहा था तब इधर ही आकर के लिया था, और जब लौटा रहा है तब मुझे जाने के लिए पड़ रहा है दोस्तों। मदद करने के बाद भी ऐसा करने के लिए पड़ रहा है, हैरान लग रहा है। चलो खैर जो भी है, आज दे रहा है तो मैं जाऊंगा उधर। तो बैंक पहुँच करके दोस्त से मैं पैसा ले लिया हूँ दोस्तों। बट दोस्त ने मुझे बहुत घुमाया। मैं बार बार कॉल किया, कॉल पिकअप नहीं किया। मुझे बोल दिया कि आओ बैंक, बट बाद में वो रिसीव नहीं कर रहा था। जब मैं पहुँचा बैंक तो बहुत टाइम के बाद वो मुझे खुद फ़ोन करके बोला कि नहीं बैंक में ही हूँ और गलती से मैं पिकअप नहीं कर पाया, आराम से आओ। और पैसे भी दे दिया है दोस्तों। अभी पैसे हम लोग ले लिए हैं और इतना दूर आए हैं तो तेल खर्चा करके आज थोड़ा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि हमारा बाइक को हम लोग थोड़ा धोएंगे और थोड़ा सर्विसिंग करेंगे। कुछ कुछ पार्ट ढीला हो गया दोस्तों, साउंड आ रहा है, फालतू का साउंड आ रहा है। मेरा नीड था, इसी वजह से मैं भी उसको बार बार फ़ोन करके बोल रहा था कि मुझे दे दो। आज नहीं, बहुत पहले से उसको फ़ोन करके मैं बोल रहा था। यार अभी हम लोग आए हैं एक गॉगल्स दुकान, गॉगल्स लेने के लिए। मेरा दोस्त लेने वाला है। अगर पूरा क्वालिटी वाला ना, पूरा ब्रांडेड, फुल ब्रांडेड, कॉस्टली माल। चलो चलो देखो। अरे किधर जा रहे हो? इधर देखो, आराम से देखो। बहुत सस्ता रहे, कॉस्टली माल बहुत सस्ता रहे। कॉस्टली माल बहुत सस्ता रहे यार, क्या बात है। 999 को 399। दुकान वाला बोल रहा है कि महंगा माल में सस्ता में दे रहा हूँ। चलो देखते हैं। ट्रेंड रे जो उड़ा चालू छे, ट्रेंड पूरा लेटेस्ट माल देखियो। चल चल पहनो, एक बार पहनो, देखो ना। और ये मिरर के सामने आ। चलो चलो पहनो। अरे पहन ना यार, गॉगल्स पहनने वाला है। वाह, मानना पड़ेगा भाई, सॉलिड सॉलिड लग रहा है। चलो चलो आओ। एमती दुई तीन प्रकार डेमो देखो, मैंने अलग अलग मॉडल रहा। मैं भी थोड़ा बहुत ट्राई करके देख रहा हूँ यार, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैसा दिख रहा है मुझे तो पता नहीं चल रहा है। मिरर में भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ खुद को, पूरा ब्लैक ही दिख रहा है। कैसा लग रहा है? बोलो, ठीक है ना? हमारा बोलना है कि भाई एकदम एग्जैक्ट प्राइस हम लोग बोल रहे हैं, एकदम परफेक्ट, उसमें आपका भी नुकसान नहीं, हमारा भी नहीं, दोनों का ही प्रॉफिट। हम लोग पूरा राउंड फिगर 3 देंगे, उससे ऊपर नहीं, नहीं आता यार। 3 नहीं 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 3 पूरा परफेक्ट प्राइस हम बोले। ठीक है चलो, ठीक है चलो, डील डन। खुश है ना? खुश। 15 पीस 250 पर पीस, पर पीस और 60 का मिला के जर्सी को 250 रुपया में मिलता है। और प्रिंट एक्स्ट्रा 100 रुपया प्रिंट, डिजिटल प्रिंट को 50 रुपया में। अभी ऑफर है से नहीं, हम फुटबॉल प्लेयर हैं, हम तीनों ही फुटबॉल प्लेयर हैं। फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल जर्सी मिलेगा ना, पूरा प्रिंट वाला, नेम प्रिंट फुटबॉल जर्सी ही मिलेगा। देखिए क्वालिटी कैसा है प्रिंट का, जर्सी का क्वालिटी भी कैसा है और कितना सस्ता में मिलता है। कोलकाता से चैलेंज करके बोलता हूँ, कोलकाता से एक पीस में 50 रुपया कम आएगा, ये मेरा दावा है। गूगल्स दे दो, अभी ड्राइव कर रहा हूँ ना मैं, गूगल्स का मजा ले लेता हूँ। बाइक को रिपेयरिंग करके वापस घर लौट कर आ गए हूँ, और अभी नहा धोवा करके फिर से फ्रेश हो गए हैं दोस्तों। अभी एक जगह में जाने वाला, हमारे गांव के पास में ही मेला हो रहा है, उधर घूमने के लिए। और तब मैं जो फिश सबको लेकर आया था, वो सब पपा फ्राई करके पूरा रेडी करके रखे हैं। मैं जब लौट कर आऊँगा तब हम लोग बनाएंगे, समझ में आया ना? अब और टेंशन मत लो, आराम से नहा धोवा करके रेस्ट वेस्ट करके शाम के समय बकरी चराने के लिए जाओगे नहीं? और टेंशन मत लो, मुझे वेट करो, मैं आ जाऊँगा बहुत ही जल्दी। काम में ही जा रहा हूँ, काम में। काम यानी घूमना काम है, वैसे मुंडा टेरी काम नहीं। बहुत पहले से हम लोग दोस्त के साथ बातचीत किए थे कि आज हम लोग जाएंगे, तो मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ। पहले से प्लानिंग किए हैं, तो हम लोग जा करके आएंगे। समझ रहे हैं? चलो ठीक है। फाइनली मैं मेला पर पहुँच गया हूँ दोस्तों, और बहुत ही फास्ट हम लोग आए हैं। कभी भी लाइफ में इतना स्पीड में बाइक नहीं चलाया हूँ जैसे आज मैं चलाया हूँ। देखते हैं जो सब कुछ हम लोग देखने के लिए आए हैं, वो सब कुछ हम लोग देख पा रहे हैं या नहीं। एक्चुअल में दोस्तों इस मेला में कुछ यूनिक चीज़ होता है, बहुत कुछ। नाइट प्रोग्राम में उतना यूनिक चीज़ नहीं होता है, बट डे प्रोग्राम में बहुत कुछ यूनिक चीज़ होता है। बस वही सब देखने के लिए मैं आया हूँ। दोस्त आगे जा रहा है बहुत ही फास्ट, वो भी जल्दी में है। और देखिए ना गैदरिंग, देखिए पूरा बहुत तगड़ा लोग गैदरिंग। माइक थोड़ा चेक कर लेते हैं दोस्तों, चालू है या नहीं। अरे
कहाँ पर मुझे लेकर जा रहा है दोस्त? वो तो घुस कर आराम से जा रहा है, बट मैं पीछे रह रहा हूँ। ये क्या है भाई, खुलो यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट इधर ही लोग जाम गए हैं, क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है, दिखाओ दिखाओ। चल 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 बोल इधर, देखिए एकदम धरुआ तलवार में पैर रख दिए हैं, देखिए हाँ अभी तक नहीं दिए हैं, देंगे बहुत सारा लोग मेरा ब्लॉग्स को देखते हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि इधर ऐसे दिखाओ तलवार कैसे मार रहे हैं, धरवा तलवार पैर नहीं काट रहा है, फिर इधर थोड़ा देख लेते हैं। बहुत सारा है जहाँ पर हम लोग बाइक रखे, उधर भी मेरा फैंस निकले, देखते हैं मेरा ब्लॉग्स। देखिए दोस्तों एकदम पूरा धरुआ तलवार के ऊपर पैर रखे हैं, फिर भी पैर नहीं काट रहा है, देखिए इधर इतना ही रखते हैं, आर्मी फोर्स भी इधर अवेलेबल है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सुई के ऊपर सुआ है वो भाई। देखिए दोस्तों सुई के ऊपर वो सो करके जो कुछ भी है ये दिखा रहे हैं, अद्भुत चीज, भंडारी चीज। तो मुझे सुई तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ओ भाई किधर लेकर जा रहे हैं, इधर घूमेंगे तीन, इधर घूमेंगे थ्री टाइम। चलो चलो देखते हैं, चलो मुझे फॉलो करो, मेरा ध्यान कैमरे में है और कुछ कुछ जगह में आज मैं चलते हैं दोस्तों, ये सब मुझे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मन करता है, ये सब मैजिक या फिर कुछ पूजा पाठ के कारण ऐसे करते हैं, जलते नहीं है या फिर करते नहीं है, बट करते हैं, स्टार जैसा भी लगता है, मैजिक जैसा भी लगता है। कितना बनाए हैं, एक दो तीन चार, टोटल में चार पीस बनाए हैं, नहीं ये वाला और ये वाला में तलवार के ऊपर पैर रख करके खड़े हुए हैं, फिर भी पैर नहीं काट रहा है, ओ भाई। बहुत तगड़ा गैदरिंग हुए है दोस्तों, देखिए और नाइट में क्या प्रोग्राम है, नाइट प्रोग्राम है छपरी छपरी ऑर्केस्ट्रा बस, और इस मेला में उतना ज्यादा दुकान फुकान लेकर नहीं आए हैं, बहुत ही काम लेकर आए हैं। ये एक नैरो है दोस्तों, इधर स्टेशनरी दुकान कुछ लगाए हैं इस साइड में, और उस साइड में एक नैरो है, और उस साइड में दो या तीन नैरो है और नहीं है। ये मेला में एक चीज़ अफसोस लग रहा है दोस्तों, ये मेला नहीं, ऐसे बहुत सारा मेला में मुझे अफसोस लगता है, वेस्ट बंगाल मेला है, हमारा लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं टोटली समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उन लोग जो कुछ बोलते हैं हम लोग आराम से समझ पाते हैं दोस्तों, वही चीज़ मुझे ऑकवर्ड लगता है। तो एंजॉय करके मेला से वापस घर लौट कर आ गया हूँ, और अभी क्या रेडी हुआ है कि रेडी नहीं हुआ वो सब पहले मैं देखूँगा, अगर रेडी नहीं हुआ है तो हम लोग रेडी करेंगे, उसके बाद खाना वाना खा करके सो जाएंगे, और रेडी है तो डायरेक्ट खाना खा करके हम लोग सो जाएंगे। तो ठीक है, आज का छोटा सा ब्लॉग्स को इतने मिनट करते हैं, आप लोग बिंदास रहो, एंजॉय करो, और यही दुआ भगवान को कि आप सबका लाइफ अच्छे से बीते। तो बाय बाय दोस्तों।